नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के किताबें मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको प्रकाशक विशेष से मिली हुई पुस्तकों की जानकारी देना है जो बुक कैफे के एक दिन एक किताब में चर्चा के लिए हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेखक या प्रकाशक केवल एक ही या दो ही पुस्तकें भेजते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बुक कैफे के चाहने वाले कुछ पुरानी पुस्तकें भी भेज देते हैं, पुराने संस्करणों की पुस्तकें भेज देते हैं। हालांकि बुक कैफे में हम केवल नई किताबों की चर्चा करते हैं एक दिन एक किताब में, लेकिन जो पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं उनकी जानकारी देना एक फर्ज है हमारा। और इस लिहाज से आज जो विविध प्रकाशनों से पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक पुस्तक हमें प्राप्त हुई है, व्यंग संग्रह श्री गुगलाय नमः, पिलकेंद्र अरोड़ा इसके रचनाकार हैं। इंडिया नेटबुक्स प्राइवेट लिमिटेड से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, इंडिया नेटबुक्स ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई पिलकेंद्र अरोड़ा की, जो 2021 का संस्करण है। इसके अतिरिक्त मिंटी अ मिस्टीरियस गर्ल इन द हेयर बन, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है, दिलीप रंगवानी इसके रचनाकार हैं। और यह एक उपन्यास है जिसके प्रकाशक राजमंगल प्रकाशन है। बच्चों के तीन उपन्यास, ये प्रकाश मनु इसके रचनाकार हैं। ये साहित्य अकादमी के पहले बाल साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित लेखक की कृति है, जिनमें जिसे प्रकाशित किया है लिटिल बर्ड पब्लिकेशंस ने। यह पुस्तक भी हमें बच्चों के तीन बाल उपन्यास प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा एक दिन का थानेदार, ये अरविंद तिवारी की पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। यह व्यंग संग्रह है, इंक पब्लिकेशन प्रयागराज ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, यह हमें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त झारखंड पर्यटन, ये चंद्रभूषण की पुस्तक है जिसे समय प्रकाशन ने प्रकाशित किया। यह काफ़ी पुरानी पुस्तक है लेकिन झारखंड के पर्यटन स्थलों पर आधारित यह पुस्तक है। एक और पुस्तक हमें प्राप्त हुई है जिसका नाम है 21वीं सदी की श्रेष्ठ बाल कहानियाँ, ये प्रकाश मनु की पुस्तक है। इसके प्रकाशक इस पुस्तक के डायमंड पॉकेट बुक्स हैं, डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। और एक पुस्तक हमें प्राप्त हुई है गूंज उठी हिंदी, इसके संपादक रमा शर्मा हैं और सह संपादक विनोद पांडे। ये बुंगाकू प्रकाशन जो जापान का है उसने प्रकाशित किया है। ये प्रवासी भारतीयों की, खासकर जो जापान में भारतीय रह रहे हैं उनकी रचनाओं पर आधारित है। अरशद मिर्जा, ऐश्वर्या संपन्ना, किशोर सिन्हा, डॉक्टर उर्मिला सिन्हा, निकिता कुसुम तिवारी, मोनी विजय, मनीष श्रीवास्तव, रुतराज बिहोला, विश्वास दुबे, वंदना रोही खुराना, श्वेता सिंह उमा, समीर मूसा और डॉक्टर राजीव पांडे, 13 रचनाकारों की रचनाएं इस पुस्तक में हैं। साहित्य तक के इस कार्यक्रम में जो विविध पुस्तकें हमें प्राप्त हो रही हैं अलग अलग प्रकाशकों की भी, मेरी कोशिश है कम से कम उनके बारे में मैं प्राथमिक सूचना आपको दे ही दूँ, ताकि आप प्रकाशक विशेष द्वारा प्रकाशित लेखक विशेष की पुस्तक के बारे में जान सकें। किताबें मिली का यह कार्यक्रम हर शनिवार और रविवार को दिन के ठीक 10 बजे इसी जगह पर आपके लिए लेकर मैं आता हूं। सोमवार से शनिवार तक शाम को 4 बजे एक दिन एक किताब में, मैं बुक कैफे में मैं किसी पुस्तक की चर्चा करता हूँ, जिसमें शुक्रवार कविताओं के लिए होता है। हर रविवार मैं आपके किसी प्रिय रचनाकार के साथ उनकी कृति पर शब्दरथी कार्यक्रम में या उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूं। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, अपने प्रिय साहित्यकारों के सृजन कर्म को जानें, उनको पढ़ते रहें, सराहते रहें। धन्यवाद।